हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं प्रेम धूमड़ा संतरा आज एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बेसिक से कैमरे के सेटिंग के बारे में देखेंगे। पहले कुछ वीडियो अपलोड किए थे, वो कुछ हाई लेवल पे जा चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिन्होंने अभी तक कभी हाथ में भी नहीं लिया है कैमरा, उनके लिए वो कठिन हो गया है। तो बाद में उनकी सेटिंग के बारे में बाद में बताएंगे, जो अंदर की सेटिंग है। तो पहले आज हम वापस बेसिक से शुरू करते हैं और कैमरे की नॉर्मल सेटिंग के बारे में हम आज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कैमरे की सेटिंग के बारे में। सबसे पहले कैमरे को ऑन कैसे करना है वो देख लीजिए। ये है ऑन ऑफ वाला बटन इधर। सबसे पहले कैमरा हाथ में लेते ही पहले ऑन करने वाला बटन, ये आप आराम से देखिए, ये ऑन ऑफ वाला बटन, ऐसे करते ऑन हो जाता है। और इसके अंदर लाइट करने के लिए ये एक बार और खींचना है, इसे लाइट होता है। उसके बाद में आपको देखना है, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको डिस्प्ले के अंदर, देखिए ये 125 है, 5.6 है, 800 ISO है, इसके अंदर बहुत सारे बैटरी कितनी है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आपको फाइनली क्या देखना है, सबसे पहले आपको मोड सेलेक्ट करना है। ये है मोड वाला बटन, इसको रखना है इस लाइन के सामने, ये एम है, इस पर रखना है ये लाइन एम पे, इसे मैनुअल बोला जाता है। अगर आपको ऑटो में रखना है तो ये ऑटो लिखा हुआ है, और ऑटो को इस लाइन के सामने लाएंगे तो हम ये ऑटो पे काम करेगा। ऑटो में क्या है, फ्लैश वगैरह अपने आप खुलती है और जो भी एडजस्टमेंट है वो अपने आप होता है, पर जितना हम चाहे ऐसा फ़ोटो हम नहीं ले सकते ऑटो में, इसलिए आपको मैनुअल में रखना है सबसे पहले। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, नॉर्मल आज हम देखें फ़ोटो क्लिक किया, फ़ोटो क्लिक करने के लिए ये है, ये वाला, ये देख लीजिए, ये 20 वाला बटन है, इसे फ़ोटो क्लिक होता है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद में उससे पहले आपको सेटिंग करना है, तो उसके लिए क्या करना है देख लीजिए, ये है, इसे शटर स्पीड कहते हैं कि हमारा काम फास्ट हो रहा है या धीरे हो रहा है। अगर हम मेरा काम फास्ट हो रहा है तो मैं शटर स्पीड को थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, और काम धीरे धीरे हो रहा है और अंधेरा ज़्यादा है तो इसके लिए हम कम कर देते हैं, 125 नॉर्मली रखा जाता है। और ये है, इसके लिए ये बटन है, आप देख लीजिए, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, आप आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है 125 वाला, ये वाला बटन है, इससे घुमाइए ये। उसके बाद में आपको देखना है अपर्चर वाला बटन, अपर्चर के लिए ये देख लीजिए, इधर है ये वाला बटन, ये इससे होता है। तो इनको घुमाएंगे, देख लीजिए ये 5.3 आ रहा है अपर्चर, ये एफ लिखा हुआ है इस वाला। इनको हम ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, देख लीजिए, आप यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि फ़ोटो क्लिक करेंगे ये ज़्यादा है तो फ़ोटो ब्लैक आएगा, अगर हम कम कर लेंगे फ़ोटो वाइट आएगा। और उसी प्रकार नीचे ISO लिखा हुआ है, देखो 800, हम इनको कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सेंस कर सकते हैं देख लीजिए। ये है ISO वाला बटन, इधर लिखा हुआ है ISO, आप आराम से देख सकते हैं, ये ISO वाला बटन, इनको दबा के रखना है। और ये वाला बटन है, इनको साथ में इसको दबा करके इसको घुमाना है तो ये सेंस हो जाएगा। उसके बाद में फ़ोटो क्लिक करने के बाद देखने के लिए ये है बटन, ये देख लीजिए, इनसे हम फ़ोटो को देख सकते हैं। और उसके बाद में ये है पास में डिलीट वाला बटन। तो आशा करते हैं आज आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप कमेंट ज़रूर करना आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।